एसोसिएशन ग्रेजुएट का स्टूडेंट छात्र संघ नहीं है, वहाँ का टीचर्स एसोसिएशन में भी यहाँ के टीचर्स एसोसिएशन एक बात जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती थी, मैं सबसे पहले यही था कि जब मुझे पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी बर्बरता से यूपी पुलिस ने हमला किया है, तो सच में मुझे एकदम अचंभा नहीं हुआ। ये वही स्टेट है जहाँ के जो सीएम होते हैं वो सीएम खुद ही जज है, वो सीएम खुद ही पुलिस है और निकाल के फेंको बाहर।
चल रहा है क्योंकि आज हमारे जो नेता है वो पढ़े लिखे नेता नहीं है, जो कुछ दिन भगवान का कपड़ा पहनते हैं और फिर उनको नेता बना दिया जाता है। जो हर सिचुएशन में एकदम दंगा भड़काने वाले बयान देते हैं। योगी के खिलाफ कितना सारा केसेस है जिससे वो बरी हो चुके हैं क्योंकि वो सीएम हो गए थे खुद ही, उसको बरी कर लिया उन्होंने। ये कितना सारा इनके ऊपर खिलाफ केस है इसका ब्यौरा और इसका जिम्मेदारी क्या जाके मोदी सरकार लेगा? वो आदमी जो भाजपा के लिए न्याय मांगा जा रहा था, जब गीता के लिए न्याय मांगा जा रहा था, तो वो आदमी उनको धमकी दे रहा है, उनको धमकी देता है कि राज्य में यहाँ से शांति से बोल रहा है उसका नहीं है हमारा। ये देश किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं है जितने स्कूल होने चाहिए थे, इतनी है जितनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। ये सरकार सिर्फ कोबा में सोना ढूंढ सकती है और इसको कुछ नहीं है। और यही दिक्कत इन लोगों को हम लोगों से है कि हम लोग कुछ चंद लोग जो आज तक इन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ पा रहे थे गरीब घरानों से, जो इन यूनिवर्सिटीज में आ रहे थे उनको कैसे बेदखल किया जाए, वो बेदखल करने के लिए आज हम ऑटोनॉमी का प्रपोजल आए हैं ताकि अगर हम लोग आएंगे तो हक की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम लोग आएंगे तो सवाल भी पूछेंगे, हम लोग आएंगे तो ये पूछेंगे कि उन्नाव में जिसने बलात्कार किया था उस एमएलए को अभी तक पार्टी में क्यों रखे, तो हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि आसिफा के नेतृत्व के पक्ष में जिन लोगों ने रैलियां निकाली थी उसको तुमने जम्मू कश्मीर के कैबिनेट में बैठा दिया। आज ये वही सरकार है जो बात बात पे, मुझे लगता है 4 साल हो गए हैं और हम लोगों को ये आदत भी हो गया होगा सुनने का कि देखो वहां पे सियाचिन पे जवान खड़ा हुआ। ये सरकार जो ये बोलता है कि देखो डिमोनिटाइजेशन पे सवाल मत करना सियाचिन पे जवान खड़ा हुआ, देखो इस बात पे सवाल मत उठाना कि हम रेपिस को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि सियाचिन पे जवान खड़ा हुआ है। और अभी कर्नाटक में ये बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कर्नाटक में कल ही परसों का बात है मोदी जी स्पीच दे रहे थे, वो भी पढ़ के और उसमें भी उन्होंने फैक्चुअल एरर किया। उनका मानना है कि जो आर्मी के सेकंड जनरल थे कि मैं वो 1948 में जनरल बने, 1948 में कोई नहीं बना था, पहले भी 49 में बने थे। ये देशभक्ति है इनका जहाँ पे इस देश के बारे में इनको कुछ नहीं पता। आरएसएस के लोग हैं, ये वही आरएसएस के लोग हैं जो आपको और हमको एक दूसरा एनिमी बताते, ये बात बात पे हम लोगों को पाकिस्तान का वीजा बांटते हैं, घूम आते हैं। पाकिस्तान का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, दे रहे हो क्या? घूम नहीं आते हैं, लेकिन ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, बाप का नहीं है, हमारा है। इस देश में हमारी यूनिवर्सिटीज में कैसी पढ़ाई होगी, इस देश में इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग चलेंगे, मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा। मनुस्मृति में ये लोग लिखता है महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को जानवरों को सुपर